कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग आज के लिए, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेक्चर 3 में एंटर कर रहे हैं, लेक्चर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, लेक्चर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन का, और मैंने लेक्चर 2 में आपको होमवर्क भी दिया था, तो मैं आज के लेक्चर में क्या क्या करना है थोड़ा सा पहले बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको लेक्चर 2 में जो होमवर्क दिया, जो मेरे पास नोट है, वो था जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो पहली बात तो मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा आप सभी से। होमवर्क करने के बाद मैं बेटे एक नया पॉइंट आज की क्लास में बताऊंगा, जिसका नाम है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, और इसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो नए कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। दोस्तों आप एक बार सभी, पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार एक कंसेप्ट वाला पेज खोल लें, जो मैंने कंसेप्ट आपके सामने प्रिपेयर किए हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं कि आपको आने वाले दिनों में, मैं इस चैप्टर को जब कंप्लीट करूंगा तो दोस्तों 44 कंसेप्ट हैं, 44 कंसेप्ट हैं, 44 कंसेप्ट से मैं आपके नॉलेज को बढ़ाऊंगा। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी क्लास में इस तरह से बायफ्रिकेशन नहीं दी हुई। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं की, मैं ही बता रहा हूं पहली बार। तो मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में एक तो इंट्रोडक्शन करा चुका हूं, इंट्रोडक्शन कर लिया है हमने, इंट्रोडक्शन कर लिया है। उसके बाद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स, कंसेप्ट 6, 3 स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने। कंसेप्ट 7, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर प्रपोजल्स। कंसेप्ट 8, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस एंड ईपीएस। कंसेप्ट 9, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग डेट इक्विटी मिक्स। मैं 9 तक बता चुका हूं, मुझे आज 10 बताना है, 11 बताना है, 12 बताना है और 13 बताना है। 4 कंसेप्ट मैं आज बता दूंगा दोस्तों, ठीक है जी। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार थ्योरी का एक बार मैं चाहता हूं आप थ्योरी को खोल ले। ये थ्योरी में मैंने क्वेश्चंस अलग लिखे हैं और आंसर्स भी अलग लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स एंड मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग डेट इक्विटी मिक्स। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया पिछली 2 क्लासेस में, फिर मैंने बताया डिस्कस द मेजर कंसिडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। मतलब जब आप प्लान करते हैं किसी चीज को, तो उस समय आप किसको ध्यान रखते हैं, ये बात मैंने बताने की कोशिश की। तो आइए जी, मैं मेजर कंसिडरेशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग भी बता चुका हूं पिछले 2 लेक्चर्स में। ये लेक्चर्स YouTube पे मैंने लोडेड अपलोडेड कर दिए हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स।
कैसे, मैंने लिखा प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड, मैनेजमेंट फिलॉसफी, मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस, सेल्स स्टेबिलिटी, एसेट स्ट्रक्चर, ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेजेस, टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें हैं जो हमने करनी है। पहले तीन क्वेश्चंस में करा चुका हूं, मैं आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ भी कराऊंगा, इंडिफरेंस पॉइंट या इक्विवेलेंसी लेवल या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी एक डायग्राम की अलग से कॉपी बना लीजिए, मैं अपनी थ्योरी की अपनी फेस टू फेस की क्लासेस में ये बात सब बच्चों को कराता हूं कि हम उनसे एक डायग्राम की कॉपी अलग से बनाते हैं। जितने भी डायग्राम्स मेरी बुक में हैं और जितने भी मैं क्लास में कराता हूं, आप उनको चैप्टर वाइज एक अलग से रजिस्टर में बना दें, क्योंकि आपकी जो थ्योरी आ रही है 40 नंबर की, उसमें अगर आप डायग्राम बनाकर चलते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आपके नंबर ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल ज्यादा हो तो क्या नुकसान है, कम हो तो क्या नुकसान है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके सामने मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था थर्ड, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार निकाल लें जिससे कि हम आगे चल पाए। बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपके सामने रख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जो आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने होमवर्क में दिया था, द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सनी लिमिटेड आर प्रेजेंटेड टू यू। तो आप खोल लीजिए बुक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री, The following figures of Sunny Limited are presented to you. Earning before interest and tax, less debenture interest 8%, long term loan 11%, interest दिया हुआ बेटे, long term loan interest, less income tax, earning after tax, number of equity shares, EPS, market price per share, price earning ratio. The company has undistributed reserves of surplus of 20 lakhs. It is in need of 30 lakhs to pay on debentures. बेटे ये लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, इस कंपनी को 30 लाख की जरूरत है। It is in need of 30 lakhs to pay off debentures and modernize its plants. तो ये अंडरलाइन कर दीजिए, 30 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि इसको दो काम करने हैं, एक तो डिबेंचर रिडीम करने हैं और अपने प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है। इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अल्टरनेटिव नंबर वन, रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12%। अल्टरनेटिव टू, रेजिंग पार्ट ऑफ द फंड्स बाय इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 एंड द रेस्ट बाय लोन एट 12%। तो बेटे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अभी, तो द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न बाय 2%, बट प्राइस अर्निंग रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8 इफ द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड एज टर्म लोन। एडवाइज द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, आराम से बेटे पहले पढ़ लीजिए, पेपर में तो 5-6 बार आ चुका है, मैंने एक ही बार लिखा है बेटे, आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री इस समय आप पढ़ रहे हैं,
बेटे आराम से बेटे, इस क्वेश्चन में मैंने नोट्स भी बहुत सारे दिए। एक बात मैं बता दूं, आप किसी की बुक भी कंपेयर करके देख लें, किसी की बुक भी कंपेयर करके देख लें मेरे साथ, तो आपको एक बात मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हमारी बुक में भी हजार नई चीजें हैं जो किसी दूसरी बुक में नहीं है। ठीक है बेटे? वो बेटे मुझे कुछ याद आया इसलिए लिख रहा हूं। अब देखिए जी, नोट वन मैंने अपनी बुक में लिखा है, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर मैंने लिखा है नाउ नोट वन, नोट टू, नोट थ्री, मैंने बड़ा कुछ लिखा बेटे, बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या सबने पढ़ लिया? ठीक है बेटे, आइए हम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे बेटे, शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। आप आइए, मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड की बात कर रहा हूं उसमें। पहली बात, इस क्वेश्चन में नोट वन लिखना है, नोट्स घर के लिए, पेपर में नहीं लिखना मेरे बेटे, नोट घर के लिए पेपर के लिए नहीं है मेरे बेटे। एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग इक्विटी प्लस एग्जिस्टिंग डेट। इक्विटी और डेट को मिलाकर एग्जिस्टिंग अगर मैं टोटल कर दूं तो बेटे यही चीज आती है एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे यहां पर पेपर में दिया हुआ है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख शेयर्स, तो ये आ गया जी 50 लाख। प्लस एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आ गया जी 20 लाख। प्लस एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स बेटे, एग्जिस्टिंग 8% डिवेंचर्स बेटे 10 लाख आएगा आराम से। बेटे 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स कैसे आए अभी देख लेते हैं। आप बताइए, इंटरेस्ट रेट 8% है, इसका मतलब इंटरेस्ट 8 रुपए का होगा अगर कैपिटल 100 रुपए की होगी, तो इंटरेस्ट अगर 80,000 का होगा तो कैपिटल कितने की होगी बेटे? 80,000 इंटू 100/8 इज इक्वल टू 10 लाख। ये मैंने एग्जिस्टिंग 8% डिबेंचर्स लिखे प्लस, बेटे इसी तरह से एग्जिस्टिंग लोन भी निकाल लीजिए, एग्जिस्टिंग 11% लोन भी निकाल लीजिए बेटे, वो 20 लाख रुपए का आएगा आराम से, आराम से बेटे। पहले लिख लो ना, फिर समझाऊंगा ना बेटे। 11% का लोन है तो 11 रुपए है लोन, तो 100 रुपए का बेटे फेस वैल्यू है। और बेटे अगर 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 2,20,000 इंटू में 100/11 बेटे, ये आ गया 20 लाख। लो बेटे, तो यहां लिख दीजिए एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू 1 करोड़। पहला तो नोट वन है बेटे, नोट टू मेरी तरफ से है, बुक में जो लिखे वो तो लिखे ही है, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। नोट टू मैं ये कह रहा हूं, न्यू फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस, दो कारण हैं
जिसकी वजह से नए फंड्स चाहिए। रीजन वन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला कारण है कि डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो दूसरा कारण है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट्स की मॉडर्नाइजेशन करनी है। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपको पैसे क्यों चाहिए। मैंने कहा भैया एक तो इस वजह से चाहिए कारण नंबर एक, और एक इस वजह से चाहिए कारण नंबर दो, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी देखना नोट नंबर थ्री, बेटे नोट नंबर थ्री, न्यू रेट ऑफ रिटर्न। बेटे जो नया रेट ऑफ रिटर्न है जिसको हम बोलते हैं ईबीआईडी ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कुछ भी बोल सकते, इज इक्वल टू ईबीआईडी अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बेटे इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, एग्जिस्टिंग ईबीआईडी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। Existing EBIT upon existing capital employed in 200। आराम से बेटे, बेटे ए बेटे बेटे ये 23 लाख गिवन है और ये 1 करोड़ रुपीस गिवन है, तो बेटे आंसर आ गया जी 23% existing ROI is equal to 23%। Existing ROI is equal to 23%। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लांट मॉडर्नाइज हो जाएगा तो न्यू रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं न्यू रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 23% प्लस 2% इज इक्वल टू 25%। बेटे देख लो न्यू रेट ऑफ रिटर्न, नया रेट ऑफ रिटर्न 25% है, न्यू रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। ठीक है जी, आराम से बेटे क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। और आपके पास दो चॉइस है जी, नोट नंबर फोर टू रेस रुपीस 30 lakhs, देयर आर two sources, there are two alternatives, दो alternatives हैं। alternative number one to raise 30 lakhs by 12% loan, 12% लोन से 30 लाख रुपए रेज करने, और दूसरा प्रपोजल है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 12% लोन। आराम से बेटे, बेटे आज कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली है मेरी, कोई बात नहीं बेटे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मन लगाकर इन चीजों को देखें और दुनिया की सबसे पहली क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे द्वारा आपके सामने आए
और आप फेस टू फेस से भी ज्यादा अच्छा समझ पाए, ऐसी मन की भावना है मेरे बेटे आपके लिए। आराम से नोट वन से लेकर फोर तक पहले लिख लीजिए। अभी एक गलती करेंगे आप इस क्वेश्चन में, वही गलती मैं बताऊंगा अभी। आप चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का मेन आंसर। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल वन प्रपोजल टू। लो बेटे यहां पे लिख दीजिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख, 50 लाख एग्जिस्टिंग, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख। बेटे आपको पता ही है पहले हम एग्जिस्टिंग लिखते हैं, बेटे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स अभी लिखिए, फिर मैं इसको कुछ कटवाऊंगा, अभी पहले आप लिखिए एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स 8% बेटे 10 लाख, 10 लाख रुपए के एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं, जगह छोड़ दीजिए, 11% लोन है बेटे 20 लाख। लो बेटे मुझे एक चीज बता दीजिए, आपको जो 30 लाख रुपीज की जरूरत है उसके पीछे क्या कारण है, 30 लाख क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? बेटे एक कारण है कि पुराने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, पुराने डिबेंचर्स को रिडीम करना है। और दूसरा कारण है मेरे बेटे प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है, प्लांट्स को मॉडर्नाइज करना है, दो कारण है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। तो अब ये बताइए जब मैंने नया स्ट्रक्चर ले लिया तो ये जो पुराने डिबेंचर्स हैं ये तो बेटे रिडीम हो ही जाएंगे ना, तो इनको थोड़ी लिखना है, ये तो मैंने जान के लिखा था आपको समझाने के लिए, ये 10 लाख थोड़ी आएंगे बेटे, ये नहीं आएंगे। तो अब ये बात का ध्यान रखना, गलती मत करना। चलिए पहला सोर्स लिख रहा हूं जी, पहला सोर्स 12% 12% लोन 20 लाख और 30 लाख। वो कह रहे जी सारे के सारे पैसे लोन से ही ले लो, 30 लाख रुपए ले लिए जी 12% लोन से। दूसरा प्रपोजल है 1 लाख शेयर्स इशू कर दो, तो मैं लिख रहा हूं जी न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख तो यहां पर आ गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटे 10 लाख यहां आ गया क्योंकि 20 रुपए का एक शेयर है और फेस वैल्यू तो 10 रुपए होती है, क्वेश्चन में लिखी भी हुई है, और 20 रुपए में इशू कर रहे हो, इसका मतलब जब 20 रुपए में इशू कर रहे हो और 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो 10 रुपए क्या हो गया प्रीमियम। तो बेटे लोन से वो कह रहा है 10 लाख रुपए ले लो, आराम से बेटे 10 लाख 10 लाख 10 लाख और यहां पर आ गया बेटे 30 लाख, 10 10 और 10, 30 लाख रुपए आपके आ गए प्रपोजल टू में, और प्रपोजल वन में भी 30 ही है। जरा टोटल कर दीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, मेरे हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख।
एक करोड़ पहली थी, 30 लाख अब इशू की, और 10 लाख डिबेंचर भी तो रिडीम कर दिए, 10 लाख डिबेंचर भी तो रिडीम कर दिए, तो नेट न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बची? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख मेरे बेटे। तो पहला स्टेप मैंने आपके सामने किया और इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर की, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अब हम क्या करेंगे बेटे, स्टेप नंबर 1 के बाद हम स्टेप नंबर 2 में चलेंगे और हम यहां लिख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जैसा हमने बाकी सभी क्वेश्चंस में किया। तो स्टेप नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। हम दोनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे आराम से बेटे। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे और जो फिगर बचेगी उसको बोलेंगे ईबीटी, फिर हम टैक्स भी लेस करेंगे ईएडी, फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे अगर होगा तो, फिर हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी लेस करेंगे अगर होंगे तो। बेटे बैलेंस जो बच जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग कर देंगे और बेटे ईपीएस आ जाएगा। बेटे ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा बेटे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। ये फॉर्मेट तो मैंने बताया था, लड़के और लड़की का कहानी भी एग्जांपल लेके बताया था। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 23% पुराना और नया 25%, तो बेटे वर्किंग नोट 1 लिखिए, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू 25% इंटू 1 करोड़ 20 लाख। बेटे पूंजी कितनी लगाई है, पूंजी, और बेटे रेट ऑफ रिटर्न कितना है, न्यू रेट ऑफ रिटर्न, वो कह रहे जी जितना पहले करते थे उसका 2% ज्यादा, तो बेटे 25% ऑफ दिस निकालिए जी कैलकुलेटर से प्लीज, सभी बच्चे करेंगे। बेटे बेटे 30 लाख, 30 लाख रुपीस का न्यू ईबीआईटी आ रहा है। मैं रुक गया हूं, आप एक बार चेक कर ले। ट्वेंटी 5% ऑफ 1 करोड़ 20 लाख, तो बेटे आ गया 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस न्यू ईबीआईटी, 30 लाख रुपीस। तो आइए बेटे हम इसको लिख दें 30 लाख्स, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लेस इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट के लिए दोबारा से स्टेप 1 में जाएं, देखिए कि पुराने डिबेंचर तो है ही नहीं ना, पहले प्रपोजल में ना दूसरे में, तो आपको पहले प्रपोजल में देखना है 11% 20 लाख के ऊपर, तो 20 लाख का 11% मेमोरी प्लस और 30 लाख का 12% मेमोरी प्लस, बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट 5 लाख 80 हजार, 5 लाख 80 हजार, 5 लाख 80 हजार। ईबीआईटी 30 लाख, लेस इंटरेस्ट 5.80। बेटे पहले एक ही प्रपोजल कंप्लीट करें,
24,20,000, 12,10,000, 12,10,000 बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, ट्रांसफर रिजर्व है नहीं, 12,10,000 ये आ गया बेटे यहां तक। बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,00,000 है, 5,00,000 है, तो 12,10,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000 बेटे आ गया 2.42 रुपए, 2 रुपीज 42 पैसा, 2 रुपीज 42 पैसे, 2 रुपए 42 पैसे, 2 रुपए 42 पैसे। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, अभी दूसरा प्रपोजल करना है। इंटरेस्ट देख लीजिए उसका, 11% 20,00,000 का, 10,00,000 का 12%। बेटे ये आ गया 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000, तो ये लिख रहा हूं जी 3,40,000। तो 30,00,000 में से 3,40,000 लेस कर दीजिए तो ये आ गया जी 26,60,000, 13,30,000, 13,30,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना मेरे बेटे। 6,00,000 के शेयर में जी, प्रपोजल 2 में इक्विटी शेयर्स 6,00,000 के, तो करके देखते हैं। 13,30,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000 इज इक्वल टू 2 रुपए 21 पैसे, 2 रुपए 21 पैसे। लो बेटे, 2 रुपए 42 पैसे और 2 रुपए 21 पैसे। बेटे ये लिखा मैंने ईपीएस, और यहां लिखा है प्राइस अर्निंग रेशो, और ये लिखा है एमपीएस। बेटे प्राइस अर्निंग रेशो, बेटे एग्जिस्टिंग है 10, क्वेश्चन में लिखो यहां 8 होगी, यहां 10 होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप सारे पैसे लोन से ले लोगे तो मार्केट में आपके लिए सेंटीमेंट्स वीक हो जाएंगे, इसलिए आपकी प्राइस अर्निंग रेशो 8 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। 22 रुपए 10 पैसे एमपीएस यहां पर आ गया, और 19 रुपए 36 पैसे यहां पर आ गया। बेटे बिल्कुल आंसर मिल गया है, चेक कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, प्रेम पत्र लेकर कि तुम नाराज मत होना, कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तो लिखिए प्रेम पत्र। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू रेज ₹30,00,000 बाय इश्यू ऑफ 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 एंड 12% लोन अमाउंटिंग टू ₹10,00,000। आराम से बेटे, बेटे जहां पर एमपीएस ज्यादा होगा वहीं पर काम कर रहे हैं। तो चलिए जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, करना चाहिए था, पेपर्स में आया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आपने पहले से इसको किया हुआ है तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आया होगा, ठीक है जी।
तो मैं आ रहा हूं जी सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ। चलिए चलिए सिक्स क्वेश्चन, सिक्स सिक्स ये खोल लिया जी मैंने, सिक्स आपके सामने ओपन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि सिक्स तो आप आराम से घर से करके आए होंगे, ट्राई किया होगा, कोई बात नहीं। सिक्स ये क्वेश्चन है, सिक्स बेटे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं पहले सिक्स को एक दो मिनट लगाकर आप पढ़ ले प्लीज। बेटा सिक्स क्वेश्चन पढ़ लिया बेटे? हाँ जी बेटे पढ़ना है सिक्स, सिक्स क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए जी मैं शुरू करता हूं सिक्स। पहले डाउट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए जी क्वेश्चन सिक्स में एक बात तो ये बड़ी प्रीशियस है कि कंपनी को एक्सपेंशन की जरूरत है, कंपनी एक्सपेंड होना चाहती है, एक्सपेंशन करेगी और इसके लिए ये 50% इंक्रीज इन एसेट्स कर रही है। फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन एसेट्स,
और बेटा ये जो 50% एसिड है, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग एसिड्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग एसिड्स 200 लाख, और बेटे इसका 50% कितना हुआ, 100 लाख। तो बेटे फंड्स, न्यू फंड्स रिक्वायर्ड, न्यू फंड्स रिक्वायर्ड आर रुपीज 100 लाख, 100 लाख रुपए की जरूरत है नए फंड्स के लिए। 200 लाख पहले से ही है, 100 लाख और चाहिए, तो इसका मतलब जब 200 पहले से ही है, 100 और चाहिए, तो टोटल 300 हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, 100 लाख रुपए चाहिए, ठीक है जी। अब 100 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन कह रहा है जी, देर आर टू चॉइस, दो चॉइस की बात कर रहा है, वन इज इक्विटी शेयर्स और सेकंड इज डेट। या तो 14% का डेट इशू कर लो और या इक्विटी शेयर्स इशू कर लो, इधर इक्विटी शेयर्स और 14% डेट, कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर, क्वेश्चन तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, वो कह रहे हैं जी इफ द कंपनी फाइनेंस एक्सपेंशन विद डेट, अगर कंपनी ने डेट के साथ काम किया देन फाइनेंशियल चार्जेस विल बी एट 14%। 14% के चार्जेस होंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट 14% होगा, इंटरेस्ट रेट विल बी, इंटरेस्ट रेट विल बी 14%। पहले कितने परसेंट है बेटे, एग्जिस्टिंग ओल्ड इंटरेस्ट रेट, ओल्ड इंटरेस्ट रेट बेटे 12% है, तो नया जो होगा वो 14% होगा, ठीक है जी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 इफ एक्सपेंशन इज थ्रू इक्विटी, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी, विल रिमेन एट 5 times, ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट न्यू इश्यू विल बी सब्सक्राइब्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इसका मतलब इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना होगा बेटे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ऑल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है बेटे, प्लस 25% ऑफ 10 बेटे 12.5 रुपए, 12.50 रुपए का इशू प्राइस होगा, 12.50 रुपए का इशू प्राइस होगा। विद अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन इफ ईबीआईटी इज 10% ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड इफ सेल्स लेवल आर 4 crores, 8 crores एंड 10 crores, आफ्टर एक्सपेंशन डिटरमाइन एट व्हाट लेवल द ईबीआईटी ऑफ ईबीआईटी ईपीएस वुड रिमेन सेम। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड इंडिफरेंस पॉइंट का, यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियोस कैलकुलेट एमपीएस एट विच सेल्स लेवल बोथ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है बेटे, आराम से तो मैं शुरू करूंगा जी। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया हो, मैंने वर्किंग नोट बना दिए, मैं लिख रहा हूं जी। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स,
प्रपोजल नंबर, ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स एंड देयर कैपिटल इंप्लॉयड, और उनकी कैपिटल इंप्लॉयड, आराम से बैठे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटे 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 लाख कैपिटल आ गई जी, एग्जिस्टिंग कैपिटल। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, जनरल रिजर्व 75 75, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, 12% डिबेंचर्स 25 25, बेटे न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए जी, आपको कितने फंड्स की जरूरत है? 100 लाख चाहिए, और एक शेयर कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 12.5 में, बेटे 8 लाख शेयर्स 10 रुपए की कैपिटल और 2.5 रुपए का प्रीमियम, आराम से देख लीजिए। आराम से बेटे, तो 8 लाख शेयर्स तो यहां लिख दीजिए, 80 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटे 20 लाख, बेटे यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और इसको राउंड कर दिया मैंने, आगे ध्यान रहे आपको, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है और न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल है। न्यू खाली एक ही प्रपोजल में आएगी, और दूसरा क्या है जी, लोन, लोन न्यू लोन, नया लोन लेना पड़ेगा, तो 14% लोन 100 लाख, लो बेटे टोटल 300 है बेटे, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टेप नंबर 1 के बाद मैं आ जाऊं जी स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी, बाकी तो कुछ है ही नहीं बेटे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट रिजर्व भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस, आराम से बेटे। अब बेटे यहां पर 3 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेंगी, मैं तो एक ही बनाऊंगा। एक बच्चा कहने लगा 3 क्यों? बेटे यहां 3 सेल्स लेवल गिवन है, वो कह रहा है जी सेल्स लेवल आप मान लो 4 करोड़ का है, 8 करोड़ का है और 10 करोड़, और ईबीआईटी 10% है 4 करोड़ की, तो मैं यहां पर एक वर्किंग लोड बनाने की इच्छा में रखता हूं, मैं लिख रहा हूं ईबीआईटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स एंड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ सेल्स, 3 तरह के लेवल्स हैं जी सेल्स के,
1 8 करोड़, सेकंड 4 करोड़, थर्ड 10 करोड़। बेटे 10% इसका, बेटे 10% इसका, और बेटे 10% इसका। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सेल्स लेवल 4 करोड़ पे करूंगा खाली। तो 4 करोड़ पे 10% 40 लाख आ गए। जी तो ये लिख दिया जी 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख लेस इंटरेस्ट। बेटे पहले एक एक प्रपोजल करेंगे, देखिए जी इंटरेस्ट 12% डिबेंचर्स 25 लाख के, 14% तो नील है पहले प्रपोजल में, तो 25 लाख का 12% बेटे 3 लाख, लेस इंटरेस्ट 3 लाख, टैक्स क्रेडिट बेटे 50% है, ₹18,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आराम से बेटे बेटे 10 लाख तो एग्जिस्टिंग थे, 8 लाख नए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 18 लाख, देख लीजिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी 18 लाख। बेटे 1 रुपया 3 पैसे आ गया, ठीक है बेटे। प्राइस अर्निंग रेशियो भी लिख देंगे, पहले आप दूसरा प्रपोजल खुद करना शुरू करें। बेटे इंटरेस्ट प्रपोजल नंबर 2 में आ जाइए, 12% 25 लाख का, 100 लाख का 100% और 14% ये आ गया बेटे 17 लाख। आराम से बेटे ये देख लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से किया, आपको लग रहा होगा नहीं क्या मैंने किया, बेटे करके देखो आप सभी, मैं टाइम दे रहा हूं। 17 लाख, 23 लाख, 11,50,000, 11,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लीजिए बेटे। बेटे 10 लाख ही है, 10 लाख, बेटे 1 रुपया 15 पैसे,
ये मैंने सेल्स लेवल 4 करोड़ पे निकाला है बेटे बेटे मैंने 4 करोड़ पे निकाला है। कितने आराम आराम से कर रहा हूं, बस मुझे प्राइस अर्निंग रेशो लिखना है और एमपीएस आ जाएगा बेटे। लिखा इफ द कंपनी फाइनेंस एक्सपेंशन विद डेट देन प्राइस अर्निंग रेशो विल बी 4 times and if expansion is through equity then 5 times। बेटे जब ज्यादा डेट होता है ना तो ये समझ लीजिए कंपनी में लॉसेस होने की आशंका बढ़ जाती है, और जब कम डेट होता है तो बेटे प्रॉफिट होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए जब डिबेंचर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस अर्निंग रेशो कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गुणा करिए। ₹5.15 ₹4.60 ठीक है जी। तो अब आप इसमें बताएंगे तो लिखिए रिकमेंडेशन इन केस सेल्स लेवल इज ₹4 करोड़। अगर सेल्स लेवल 4 करोड़ रुपए होगा देन तो फिर क्या, इनके सेल्स लेवल इज ₹4 करोड़ देन इट इज बेटर टू एक्सेप्ट देन इट इज बेटर टू एक्सेप्ट to accept proposal 1 बेटे ₹5.15 to accept proposal 1। चलिए जी मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया लेकिन इसके और भी पार्ट हो सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। मतलब सेल्स लेवल अगर 8 करोड़ होगा तो बेटे नई स्टेटमेंट बनेगी, और अगर सेल्स लेवल 10 करोड़ रुपए होगा तो बेटे नई स्टेटमेंट बनेगी। तो अभी हम एक पार्ट तो कर चुके हैं, हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट बड़ा ही प्रीशियस है, हमारा कंसेप्ट नंबर 10 है ये, इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर एक्सपेंशन डिटरमाइन एट विच लेवल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस वुड रिमेन सेम वेदर द फंड्स आर इश्यूड बाय इक्विटी और डेट। तो बेटे इसके लिए पहले कंसेप्ट नंबर 10 लिखना पड़ेगा, सेकंड पार्ट अभी करा दूं।